दोस्तों सिर्फ 3 दिन लेने से हमारे दांतों की जितनी भी समस्या है सारी एकदम ठीक हो जाएगी। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दांतों की आपकी जितनी भी समस्या है। बहुत सारे भाई बहन हमें कॉल करके पूछ रहे थे, हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि हमारे जो दांतों की समस्या है उनके लिए कुछ ऐसा नुस्खा बताएं कि हमें कोई दवाई भी ना लेनी पड़े और घर पर ही हम इसे ठीक कर लें। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारे दांतों में बचपन से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, वो भी हमारे गलत खाने पीने से। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि जब हम मीठा खाते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, कुछ और मीठी चीज़ें जब वो खाते हैं तब उन्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप जितना चाहो मीठा दे सकते हो। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में बच्चे कितना मीठा खाते थे, कटोरी भर भर के मीठा खाते थे और लस्सी कितनी पीते थे, उनके दांतों को उनके शरीर को कुछ भी नहीं होता था। तो आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं रात को या दिन में, हम बाद में कुल्ला नहीं करते, कुरूली नहीं करते। कुरूली ना करने से हमारे दांतों पर वो खाना फंसा रहता है जिसकी वजह से वहाँ पर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और बाद में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हमें अपने जो हमारे दांत है निकालने पड़ते हैं और वहाँ पर हमें फिलिंग करवानी पड़ती है जहाँ कुछ और नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपके दांतों में किसी भी तरह का कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में किसी भी तरह का दर्द है, अगर आपके मसूड़े जो हैं वो सूज गए हैं, जब भी आप कुछ खाते हो तो वहाँ पर पेन होता है, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम के लिए आज मैं आपके पास ये एक घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। इसे कैसे लेना है, कब लेना है, मैं आपको सारा बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे पास है हल्दी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है घावों को भरने के लिए। इसी तरह जब हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, पीक भर जाती है वहाँ पर, तो उसे ठीक करने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों जो हल्दी होती है ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, जितने भी हमारे शरीर के बाहरी और अंदरूनी घाव है उन्हें भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम दूध में इसे डालकर अक्सर पीते रहते हैं। तो आज ये दांतों की जितनी समस्या है उसे कैसे ठीक करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने जो हल्दी ली है, ये हल्दी हमने लेनी है घर की पीसी हुई, घर की हल्दी लेनी है। अगर आपको बाजार वाली मिलती है तो ले लो, लेकिन अच्छा होगा अगर आप घर की पीसी हुई हल्दी लोगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर करेगी, बाजार वाली हल्दी से 2 गुना ज़्यादा जल्दी असर करेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। दोस्तों इतनी सी हल्दी हमें लेनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या लेनी है, हमें लेना है पानी, ठीक है। दोस्तों पानी थोड़ा हम गुनगुना ले सकते हैं, एक तो हम इसमें ये हल्दी मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल लेंगे। दोस्तों जिन भाई बहनों के ज़्यादा पेन रहती है वो इसमें थोड़ा सा लून भी ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अकेली हल्दी को ही मिला रहे हैं क्योंकि इससे ही हमारा काम चल जाएगा। जितनी भी आपके दांतों में सड़न है, आपके मसूड़ों में सूजन है, वो सारी इससे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह घोलने के बाद हमने क्या करना है, दोस्तों एक तो हमने ये सुबह उठते ही ये वाला नुस्खा कर सकते हैं और दूसरा हमने रात को करना है, रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह ब्रश से साफ करने के बाद हमने इसे लेना है। कैसे लेना है मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने इतना सा नुस्खा ये वाला तैयार कर लेना है, ठीक है। इसे आप चाहो तो सीधा पी भी सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके कुछ अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हो जो कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे, आपके दांतों की जितनी समस्या है सारी ठीक होगी, अकेला ये दांतों पर ही नहीं असर करेगा, अगर आप इसे सीधा पियोगे तो जितने सर से लेकर पांव तक कोई भी दर्द प्रॉब्लम होगी, आपको स्वेलिंग होगी, सोज होगी, वो सारी ठीक करेगा। अगर आपने अकेला दांतों के लिए लेना है तो आपने क्या करना है, इसका एक सिप मुंह में रखकर उसे कुल्ला करना है अच्छी तरह, दांतों के इस तरफ, दांतों के उस तरफ, ठीक है। अच्छी तरह से करने के बाद आपने जो कुल्ला करना है, पहला कुल्ला जो करना है आपने 20 से 30 सेकंड तक अपने मुंह में इसे इधर उधर हिलाते रहें। मुंह में इसे हिलाने से क्या होगा दोस्तों, जहां पर भी ये जो हमारा नुस्खा है, जहां पर भी ये हल्दी लिक्विड टाइप की जाएगी,
जैसे दांतों पर लगेगी, मसूड़ों पर लगेगी, वहीं से अपना काम करना शुरू कर देगी। तो क्या होगा, हमारे दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम होगी सभी ये ठीक करना शुरू कर देगी। जब आप इसे दो टाइम लोगे तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी दांतों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, तो पहला कुल्ला आपने 20 से 30 सेकंड करना है, उसके बाद आप इसे पी भी सकते हो, नहीं तो बाहर निकाल दो। और इसके बाद आपने जो दूसरा सिप लेना है उसे भी आपने सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया। इसके जितने भी सिप होंगे, 4 होंगे 5 होंगे, आपने दांतों को अपनी जो दाढ़ होती है, दांत होते हैं, अच्छी तरह से मुंह में इसे घुमाना है, कुल्ला करना है, तो आपकी जितनी भी समस्या है सारी दांतों की वो ठीक होगी। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा घरेलू नुस्खा। इसके लिए आपको किसी भी दवा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर क्या होता है कि जब भी हम खाते हैं कुछ तत्ता ठंडा तो हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाती है, उसके लिए ये जो हमारा हल्दी वाला नुस्खा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।